हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रमोट करें इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, और इस वीडियो में दो गिव अवेज भी हैं जो क्लैपट्रैप की तरफ से हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन देयर विल बी टू गिव अवेज इनसाइड, सो वॉच इट केयरफुली। बिफोर डूइंग दैट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। नमस्कार आचार्यलाल जी। नमस्कार जी सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी। ओके, सो एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल सर, पिछली बार हम मिले थे दयाल जी से। हाँ सर। और हमें उन्होंने बताया था स्टोर का नाम है मामा भांजा, राइट? हैंडीक्राफ्ट, सर। ठीक है, आप थोड़े कैमरे से नर्वस तो नहीं हो रहे? ना सर, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो मैं इंग्लिश में भी कुछ बीच में बोलूँगा उन व्यूअर्स के लिए जिनको हिंदी नहीं आती है, और तो आप उसको टेंशन मत लीजिएगा, आप हिंदी में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। सो आई एम एट मामा भांजा हैंडीक्राफ्ट लोकेटेड एट किशनगढ़ राजस्थान, एंड किशनगढ़ इज़ पॉपुलरली नोन फॉर मार्बल वर्क। यहाँ पे हर तरह का स्टोन वर्क मिल जाता है। आपके स्टोर पे क्या क्या है? क्या सर, आपके पास क्या क्या चीज़ें, आप क्या क्या चीज़ बनाते हैं? हमारे सर काफ़ी आइटम है, हैंडीक्राफ्ट आइटम, मंदिर है, मूर्ति है, चकले है, कुंडी है। अच्छा, ठीक है, है। और ये सब आप कुछ बनाते हैं और कुछ अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग स्रोत हैं आपके जहाँ से अभी सारे माल इकट्ठा करते हैं? सर तैयार भी करवाते हैं, कुछ रेडीमेड भी खरीदना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। दयाल जी ने पिछली बार हमको बताया था, तो वो हमारे व्यूअर्स को बता दें, हमारे दर्शकों को, कि आप जो है ऑल इंडिया डिलीवर कर पाते हैं और काफ़ी सारी जगह उन्होंने माल को पहुंचा भी दिया था। बिल्कुल सर, करते हैं, है ना? ठीक है, एक काम करते हैं अभी कि अब हम अंदर चलते हैं, इससे पहले ये लाइट थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, और कुछ प्रोडक्ट हम देखेंगे। सो ये उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश आती है, मैं ट्रांसलेट कर दूँ। आई एम एट मामा भांजा स्टोर बिकॉज लाइट इज स्लोली गोइंग डाउन, सो आई एम गोइंग वॉकिंग आउट विद देम, सो ही विल बी टेलिंग अस द प्राइस, और साथ में हम जानेंगे, वी विल ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ मार्बल इज यूज, व्हाट काइंड ऑफ स्टोन इज यूज इन मेक टू मेक दीज काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, राइट? ही हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश दैट दे मेक टेम्पल्स, दे हैव मेड लॉट ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स। नाउ वी विल टेक अ टूर, अंदर चलते हैं और एक बार आपके साथ देखेंगे, है ना? चलिए आइए। और अब हम आ गए स्टोर के अंदर, है ना? यहाँ पे क्योंकि आप थोड़े से नर्वस हैं, थोड़ा सा मैं भी नर्वस हूँ आपसे बात करते हुए, तो फिर भी हम बता दें कि रेंज बहुत बड़ी है। यहाँ पे फ्लावर वेसेज हैं, लैम्प शेड्स हैं, पॉट्स हैं, प्लांटर्स हैं, कप्स हैं, टीज हैं, कोस्टर्स हैं, और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो ज़्यादातर आप खुद बनाते हैं और कुछ आप बाकी जगहों से सोर्स करते हैं या बाकी जगह से लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ों के ये प्राइस हम नहीं बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को, जो हमको लगेगा कि हमारे मतलब के हैं या हमारे व्यूअर्स के मतलब के हैं, वो हम आपसे पूछेंगे। जैसे दो फ्लावर पॉट हैं, ये आप एक उठा के दिखा दीजिए हमको। इसमें ये किसका बना हुआ है, कौन सा स्टोन है ये? ये मार्बल स्टोन है जी सर। अच्छा, वाइट मार्बल स्टोन है, पेंट, इसमें पेंट हुआ है, पेंट किया हुआ है इसके ऊपर गोल्ड कलर का। अच्छा, हैंडक्राफ्टेड है, भी पूरा हाथ का बना हुआ है। बिल्कुल सर। इसको बनाने में लगभग कितने दिन लग जाते होंगे? ये सर कम से कम जोड़ी बनती है दो दिन के अंदर। दो दिन में एक? इसमें क्या है, जो अंदर का जो आइटम है ना, इसमें खोखला का बहुत मजबूती से होता है। अच्छा, तो इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं वो सिर्फ यही काम करते होंगे? हाँ सर, वन पीस में है सर ये। अभी अगला देखते हैं, है ना? क्या प्राइस है इसका? ये 3500 रुपये का जोड़ा है जी। ठीक है, ये आपने बताया 3500 रुपये का पेयर है, जोड़ा है। दिस इज 3500 रुपीज़ फॉर अ पेयर। जिसके ऊपर आपने रखा है वो स्टैंड है? स्टैंड है। ये कौन सा स्टोन है? ये मार्बल विद्यासर स्टोन है जी। कौन सा? विद्यासर। ये भी इंडिया का है? इंडिया का, अपने राजस्थान का ये जी। अच्छा, ये क्या प्राइस में है पूरा स्टैंड जो आप दिखा रहे हैं? ये 4000 का पेयर है जी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक और स्टैंड है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं तो क्विकली हम बताएंगे। ये कौन सा स्टोन है ऊपर? पहले ऊपर ये गुलदस्ता स्टैंड है जी। जी जी, प्लास्टिक के फूल लगाने के लिए, कॉनेक्स मार्बल है। ठीक है, कितने का है ये? 2000 रुपये जोड़ा है। ओके, बड़ा वाला भी 2000 का है, छोटा वाला भी 2000 का है? बड़े वाला 3 का है, छोटे वाला 2 का है। और ये स्टैंड जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये विद्यासर स्टोन है। ये कितने का है स्टैंड? प्राइस क्या है इसका? इसका आप लोग मान के चलो 2800 रुपये। ठीक है, आप एक हमें वो ऊपर जो रखा हुआ है ना गोल वाला, वो निकाल के दिखा दें। एक मिनट दिखा, तब तक हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये कौन सा स्टोन है, ये वाला? कौन सा? ये वाला जो स्टोन है, ये मकराना पिंक है जी। ये इंडिया का है बाहर का है? राजस्थान का ही है। अच्छा, सारे कलर्स इंडिया में ही पैदा हो जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आप मुझे वो दिखा दीजिए, तब तक मैं व्यूअर्स को ये दिखा दूँ। ये सारे के सारे आइटम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, और ये जो आर्ट है जो जिसमें इनग्रेविंग की हुई है, ये भी मेरे ख्याल से आगरा में ज़्यादा पॉपुलर है, पर यहाँ भी बनता है ये। ये कहाँ का है? बॉम्बे। अरे यार, तू यार कहना जाने, निकालिए आपने ये वाला? हाँ जी सर, ये निकाल। अच्छा, ये पूरा सिंगल पीस में? सिंगल पीस है जी, वन पीस है सर। ऑनेक्स है? ऑनेक्स मार्बल। अच्छा, इसका जनरली क्या एक ब्लॉक होता होगा? हाँ जी। और उसके बाद ड्रिल करके इसमें से हॉलो करते हैं इसको घुमा के मुझे दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल सर, देखिए जी।
ये देखिए पूरे के पूरे ये बुक मैच है, वेन्स है, स्टोन नेचुरल है। हाँ, ये पूरा नेचुरल स्टोन की वजह से ये मैच हो जाता है। ये कितने का है? ये 1600 रुपये का है जी। चलिए ठीक है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाउ डू आई एक्चुअली स्टार्ट शूटिंग दिस, बिकॉज ही इज़ लोडेड विद लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से हमारे व्यूअर्स को कैसे दिखाएं, पर कोशिश करेंगे। कैंडल स्टैंड बता दें ये कितने का, ये रख दीजिए आप सर। ये कितने का है कैंडल स्टैंड? कैंडल स्टैंड ये सर 350 रुपये का जी। अच्छा ठीक है, ये भी आप अलग ऑनेक्स है ये भी? हाँ जी। ठीक है, सबको आप क्विकली मुझे बताते जाइए अभी फटाफट, क्योंकि अभी बाहर जाके हमें फिर फाउंटेन्स देखने हैं आपके साथ। अच्छा जी सर, क्या क्या है, कौन कौन सा है आप बता दीजिए, क्या है, कैसे यूज़ है? जैसे ये है, ये देखिए सर, मार्बल स्टोन है, ये गुलाब के फूल डालने का है। ठीक है ओके, आप इसके अंदर कैंडल भी लगा सकते हैं, मैं तो समझता हूँ कि पकड़िए एक मिनट प्लीज़, ये आप इसको ना कैंडल का बेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबा कैंडल आप इसमें लगा दीजिए, हो सकता है सर। और दो या तीन रख सकते हैं ना, और थोड़ा छोटा रहेगा तो वैक्स इसके अंदर कलेक्ट होता जाएगा, आराम से क्लीन हो जाएगा। ये कितने का? ये क्या, ये 250 का जी। अच्छा, और बड़ा वाला जो है वो? बड़े वाला ये 500 रुपये का जी। अच्छा, इसके अंदर आप फ्लावर डाल सकते हैं, ये अच्छा है। ये मकराना संगमरमर है। मकराना संगमरमर है, ये इंडिया का है, ये भी अपना राजस्थान का? ओनली राजस्थान। ठीक है, ब्लैक वाले में क्या रेंज है और ये कहाँ का स्टोन है? ये ब्लैक वाला है सर, ये राजस्थान का, ये बेसलाना के नाम से फेमस है। अच्छा, ये 750 का पीस पड़ता है। ये हार्ड स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन है? नहीं, हार्ड स्टोन। अच्छा, ये उससे महंगा है? हाँ, ये वाइट वाले से महंगा है ये। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट हम दिखा देते हैं। ओरिजिनल में है सर, इसमें कोई कलर वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, ये इसका ओरिजिनल कलर है? ओरिजिनल ब्लैक कलर जो इसका ओरिजिनल कलर है। ये मूर्तियाँ आपके पास क्या रेंज में मिल जाती हैं अगर किसी को लेना हो? ये सर साइज़ के हिसाब से चलती है, मसलन जैसे इसमें 4.5 इंची 6 इंची ऐसे साइज से चलती है। अच्छा, क्या प्राइस रेंज जाता है? जैसे 4.5 इंची की मूर्ति अपने, जैसे कोई गणेश हो, लक्ष्मी हो, पार्वती हो, तो 250 की चलती है, 6 इंची में 500 की जाती है, फिर आती है 8 इंची, वो 750 की जाती है। ठीक है, एंड दिस इज़ इन ब्लैक कलर, ये भी एक, ये कौन सा स्टोन है? वही जिसका वो बना हुआ था? ये ब्लैक कलर है, लेकिन इसमें सर थोड़ा कलर किया हुआ है। अच्छा, ऊपर से कलर किया हुआ है। ठीक है, अब एलिफेंट्स बता दें हमें, ये क्या रेंज के हैं? क्या रेंज के हैं ये, जल्दी से प्राइस बता दीजिए। 250 का पीस है। अच्छा, ये 750 का पीस है, 1100 का पीस है। ठीक है, टू पीस, एक हमें पीस पैर में से एक पीस हमें निकाल के दिखा दें हमारे व्यूअर्स को कि ये कैसा दिखता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये पूरा हैंडक्राफ्टेड है पूरा। हाँ सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ, एक ये बड़ा अच्छा है, ये मुझे दिखा दीजिए, ये वाह वेरी नाइस। वैसे आपने किस पर्पज़ से बनाया है, फिर हम उस हिसाब से देखेंगे कि हमारे किस काम आ सकता है। आपने क्या सोच के बनाया इसको? हमने तो सर इसमें पाने डाल के गुलाब के फूल डाल देते हैं। अच्छा, पूजा पाठ करने में काम में लेते हैं इसको। ओके, ये भी मार्बल में है? हाँ, मार्बल है। सिंगल पीस है, इसमें कोई कट या कोई चिपिंग तो नहीं? ना सर। अच्छा, कुछ लोगों के पास कंसोल्स होते हैं अपने घरों में, जहाँ पे जो एंट्री करते हैं वहाँ पे आप इनको रख सकते हैं। लाइट में दिखा दीजिए थोड़ा, नहीं नहीं इधर ही रखिए, इधर ही रखिए। हाँ बस ऐसे, ये देखिए ये इस तरह से दिखता है। ये ना चाबी रखने के भी काम आ सकता है, जैसे आप घर में घुसते हैं तो आप वहाँ रख दीजिए इसको, अपनी कीज आप इसमें रख सकते हैं। प्राइस क्या है इसका? 350 का पीस है। अच्छा ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा है, आप ये वाला पीस ना एक मुझे दे दीजिए। ओके सर। तो हमने वीडियो की शुरुआत में हमारे व्यूअर्स को बता देंगे कि जिनका अच्छा कमेंट लगेगा हम उनको ये भेज देंगे, तो या तो आपके पास से कुरियर हो जाएगा या मैं ले लेता हूँ आपसे। ये ना सर, कितने का है? 350 का है। 350। ठीक है, एक मुझे दे दीजिए, ये मैं ले लूँगा। ये ठीक है, आगे चलते हैं अभी। सो बता दें एंड में कि अगर आपको अच्छा लगा ये तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं हमें कि आपको क्यों अच्छा लगा और आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। एंड इसका हम एक पीस ले रहे हैं, वो हम आपको कुरियर कर देंगे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी मैं अपने व्यूअर्स को, हमारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स को हम एक ही फ्री में देंगे। ठीक है, एक ये दे दीजिए, ये बहुत पॉपुलर है, ये दिखा दीजिए मुझे। ये हमारे यहाँ के टेंपल में, मंदिरों में रखा जाता है। बिल्कुल सर। अच्छा, आप लोगों ने किस लिए बनाया इसको? हमने तो वही पन्ने डाल के गुलाब के फूल डालते हैं, इसमें मंदिर में रहता है, कोई टेबल पर रखते हैं। अच्छा, इसके भी अलग अलग साइज हैं? इसमें एक छोटे साइज से छोटा कछुआ भी रखते हैं। अच्छा, तो शुभ मानते हैं उसको। अच्छा ओके, वो फेंग शुई इन वास्तु के हिसाब से इसको शुभ मानते हैं। लाइट में हम अपने व्यूअर्स को दिखा दें कि ये देखिए ऐसा दिखता है। कोई पेबल्स भी डालता है इसमें। अच्छा, ये नेचुरल स्टोन्स के तो ये क्या, ये भी शुभ माने जाते हैं? अच्छा, ब्यूटी के लिए, पकड़िए जरा ये। वेरी नाइस, ये अच्छा क्रिएटिव आइडिया है ये। अब प्राइस बता दें हमें कि ये वाला साइज़ जो है ये कितने का है? ये वाला साइज है सर 5 इंची का है, ये 250 रुपये का पीस है। अच्छा,
इससे बड़ी साइज और बड़ी लोगे तो रेटें बढ़ती जाएगी। ठीक है, डन। हम लोग अलग देखते हैं अभी, नेक्स्ट देखते हैं अभी। ये इसमें ना मुझे एक चीज़ और पूछना था हजारी लाल जी आपसे, कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राइस में मिलता है ये। बिल्कुल सर। तो क्या ये हाथ के काम के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है कि स्टोन की क्वालिटी पे? स्टोन की क्वालिटी भी चलती है, काम का ही फर्क चलता है इसमें। अच्छा, इसीलिए इतना प्राइस वेरिएशन है इसमें। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। ये सेम आर्टिकल है? सेम आर्टिकल, केवल पेंट है बस। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्यूरोसिटी है, आई एम नॉट श्योर लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट, बट आई एम इंटरेस्टेड टू नो, ये हजारीलाल जी कैसे बनता है ये? ये सर, इसमें एक मशीन होती है जिसको अपन बोलते हैं ग्लेंडर। अच्छा, उसे हल्का हल्का खुदाई करके फिर बनाते हैं। ठीक है, और पेंट वर्क कैसे होता है, हाथ से होता है या मशीन से? हाथ, नहीं हाथ का। अच्छा, तो इसमें ज़्यादातर महिलाएँ लगी हुई हैं काम में? महिला आदमी भी करते हैं, हमारे आदमी करते हैं इसको। ठीक है, ये फिर ये वाला जो एम्बॉस वर्क है ये भी हाथ से किया जाता है पूरा? हाँ जी सर। और फिर ये सब चिपकाए जाते हैं इसमें ऊपर? ये तो क्या, वो जो एरोलाइट होती है उससे चिपकाए हुए पूरे। अच्छा, इनकी लाइफ कितनी रहती है अगर ये, क्योंकि हैंडवर्क है, लोगों को इसमें भी डाउट होता है। पाँच साल सर, पेंट में तो 2-5 साल तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। धूप के अंदर रखोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, छांव के अंदर रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका क्या प्राइस है? 750 का पीस है ये। ठीक है, डन। मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा पेयर में खरीदें, क्योंकि दो एक साथ जोड़े में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। आपके पास मंदिर भी हैं अलग अलग साइज के? सर। ओके, जैसे ये मंदिर है, ये कौन से स्टोन में है, क्या साइज़ है और कितने का है? ये मार्बल में है, राजनगर में, इसको अपन मोरवड़ वाइट बोलते हैं जी। अच्छा, क्या प्राइस में मिल जाएंगे ये? इसकी साइज़ है 1.5x1 जिसको बोलते हैं 18-12। और इसकी रिटेल की रेट सर वाइट में लोगे तो पड़ेगा आपके 1150 रुपये का। अच्छा, ठीक है, और टॉप में ऊपर गुम्बद जो है वो भी देंगे? कम्प्लीट सर, 4 पीस में आएगा, 4 पीस में देंगे जी। और ये अभी क्या कल्चर में है, वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी आजकल? ये मिक्सर ग्राइंडर आ गए हैं तो ये आपके पास? फिर भी देखो सर, खरीदने वाला खरीदता ही है। अच्छा, ओके, ठीक है। एक मुझे इसका पीस दिखा दीजिए, वो जिसमें डबल शेड है, ब्लैक एंड वाइट दोनों, लास्ट वाला, ये वाला? हाँ जी, हाँ जी। ये सर नेचुरल बहुत कम आता है सर, देखो दो कलर में। अच्छा, घुमाइए इसको। अरे वाह, ये देखिए नेचुरल मार्क्स हैं इसके अंदर, है ना? बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, जनरली इनका इस्तेमाल किचन में मसाले पीसने या अदरक वगैरह के लिए? अदरक इलायची के लिए, सौंफ इलायची हुई, अदरक हुई, लहसुन हुआ, बादाम हुआ, उन सब के लिए इस्तेमाल होता है। ये कितने का है? ये 300 रुपये पीस है जी सर। ठीक है, साइज इसकी 5x5 है। ओके, इसको 5 इंच बोलते हैं। ठीक है, ये भी मकराना है? हाँ, मकराना। इसमें कुछ लोगों को शिकायत होती है कि ये जो है ना हल्दी के, इनके निशान बढ़ गए, थोड़ा सा निशान छोड़ जाएगा। ना सर, देखो इसको अपन खाली चलाएंगे तो शिकायत आएगी, भाई इसमें सामान डाल के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बहुत सारे स्पेशल आइटम देखेंगे। हाँ जी सर। हमारे व्यूअर्स ने छोटे छोटे आइटम अभी देख लिए, अब हम थोड़े बड़े आइटम्स दिखाने वाले हैं। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में क्या क्या है हमारे पास? इस वाले सेक्शन में बड़े मंदिर पड़े हैं, फाउंटेन पड़े हैं। ठीक है, हाथी जोड़ी चाहिए तो हाथी जोड़ी पड़ी है। अच्छा, एक तरफ से जैसे हमने पहले किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो फाउंटेन के स्टोन में, वो ग्रीन वाला? ये वाला, ये विद्यासर स्टोन है जी। कौन सा? विद्यासर, मकराना ही विद्यासर पड़ता है हमारे। अच्छा, ओके। और ये मकराना पिंक आ गया, ये रूम के लिए अच्छा होता है, रूम में आराम से इसमें पानी डाल के चालू कर दो तो। अच्छा, इसमें ओनली पर कूलर की मोटर लगनी है सर, और कोई ज़्यादा आइटम नहीं लगाना है पड़ेगा इसमें। ठीक है, और इसका जो फॉल है वो टोटल इस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने पावर की मोटर लगाई है। इसमें आप कितने पावर की मोटर लगा के देते हैं? और किसी कोई मतलब नहीं सर, जो नहीं, पानी बाहर आ जाएगा ना? नहीं आएगा सर, कूलर का जो छोटा मोटर होता है ना, हाँ, जो अपने कूलर में पंखे मतलब पानी के लिए चलती है वो, बस वो मोटर लगानी है इसमें, और कोई पावर वाला नहीं। अच्छा, तो इंडोर में इनको आराम से रख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर वो ग्रीन वाले से, ऑलिव ग्रीन कलर का स्टोन जो है, वो सबकी लाइफ बराबर है ना? नहीं सर, उसमें थोड़ा लाइफ में हल्का सा चेंज आएगा, क्योंकि इसमें कुछ, ये ओरिजिनलिटी वाला स्टोन है, इसमें कुछ हमारे क्लियर वार्निश वगैरह जो होता है चमक के लिए। अच्छा, उसमें वार्निश किया आपने, बड़ी ईमानदारी से आप बता देते हैं सब चीज़ें, ईमानदारी से बता देते हैं। ठीक है, वैसे ऑलिव ग्रीन वाला ये कितने का है? ये वाला 2500 का है, और ये वाला 3000 का है, और ये वाला ये 4500 का जी। इसमें किसी तरह का कोई वार्निश वगैरह नहीं किया? नहीं, कोई वार्निश नहीं है, ओरिजिनलिटी मकराना पिंक स्टोन है। अच्छा, ठीक है, इनको बैल्कनी वगैरह में भी रख सकते हैं ना, बाहर इनकी बड़ी बैल्कनी है, इसको आप चाहो जहाँ रख दो। अच्छा, और वेट कितना होगा इसका? वेट इसका मार्केट होगा सर 30-35 किलो। अच्छा, अब जो ट्रेडिशनल फाउंटेन है जो सबसे ज़्यादा चलते हैं वो ये हैं, राइट? ये वाला देख लेते हैं अभी। हाँ जी सर। इस, ये कौन से स्टोन में बना हुआ है? ये मकराना स्टोन में है जी। अच्छा, ये क्या हाइट है इसकी? इसकी हाइट है 4 फीट है जी। अच्छा,
इसका क्या, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसके स्टोरीज बढ़ती जाती हैं क्या, ये एक लेवल दो लेवल तीन लेवल हाइट के हिसाब से बढ़ेगी देखो। अच्छा, फिर इनकी चौड़ाई भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, एक सवाल और मेरे दिमाग में, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। मुझे लगता है कि ये डिसमेंटल होके जाएगा, इसको आप ना ये अलग अलग पीसेज में देंगे, एक दो तीन चार, कितने पीस में जाएगा ये? कम से कम एक दो तीन चार पाँच छः सात पीस के समथिंग है। ठीक है, मोटर आप देंगे इसमें भी? ना, इसमें मोटर नहीं लगेगी सर, इसमें सीमेंटेड पाउंड बनाना पड़ेगा। अच्छा, और उसमें एक स्टील का पाइप भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर मोटर पंप कैसे होगा ऊपर पानी? मोटर तो लगानी पड़ेगी इसमें। अच्छा, लेकिन आप अलग से लगती है वो मोटर? अलग से, वो जो जो सबमर्ज हो जाती है पानी के अंदर डूब जाती है वाली मोटर लगा सकते हैं इसमें? पानी के अंदर डूबने वाली तो इनमें लगती है, बाकी इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन थोड़ी इसमें थोड़ी हाई पावर मोटर लगानी पड़ेगी देखो। ओके, क्योंकि इनमें हाइट ज़्यादा है इसकी। ये क्या प्राइस रेंज में? ये 7,500 का है जी। ठीक है, डन। ये बहुत अच्छा सा छोटा सा क्यूट सा टेम्पल है, ये कितने का है? ये वाला? हाँ, ये 2500 का जी। अरे वाह, बहुत इसमें वर्क है, फिर भी 2500 का है ये। और ये कौन सा स्टोन है जो वाइट नहीं है, ब्राउन है? ये इसको बोलते हैं खाटू स्टोन के नाम से, खाटू चाहता है। खाटू, अच्छा, खाटू तो एक मंदिर भी है ना जहाँ पे, वो खाटू श्याम जी का मंदिर है सर। अच्छा, वापस जाते हैं अभी, क्या नाम बताया आपने? खाटू श्याम जी। ये खाटू का स्टोन है। वहीं का है क्या ये? कोई कनेक्शन है इस नाम में? नहीं, उस मंदिर का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये गांव पड़ता है खाटू हमारे। अच्छा, और वो मंदिर भी उसी गांव में? ना ना ना, मंदिर खाटू श्याम जी मंदिर है, बहुत फेमस है। पीपल डोंट नो दैट खाटू श्याम जी इज लॉर्ड हनुमान्स टेंपल, हनुमान जी का मंदिर है। नहीं, खाटू श्याम जी का है। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी खुद भगवान है। अच्छा, तो ये वाला जो है, दिस इज खाटू स्टोन एंड रिलेटिवली दिस इज लिटिल रफ, लिटिल एजी, और ये थोड़ा ब्रिटल्स ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा हल्का होता है उससे? हाँ, कुछ हल्का वेट में हल्का आता है। अच्छा, ये थोड़ा ब्रिटल होता है कंपेयर टू दैट, लेकिन इसकी लाइफ भी अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, लाइफ कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, तो ये भी सालों साल चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। ये कितने फुट का अप्रॉक्सीमेटली? 5 से 6 फुट। 5 फीट का जी। क्या प्राइस का आता है ये? 6500 रुपये का जी। अच्छा, और वाटर का इसका जो फॉल है वो चारों तरफ से गोल गिरेगा पूरा? बस हाँ जी। है ना, प्राइस बताया आपने इसका? 6500 रुपये जी। ठीक है, वो लोग जो बड़े साइज़ के एलिफेंट दे, वो 6500, यानी कि 6500 रुपीज़ का आपको ही मिल जाएगा। डिलीवरी चार्जेज अलग से होंगे? डिलीवरी चार्ज अलग से। एक मुझे ये बड़ा एलिफेंट दिखा दीजिए। एक मिनट, ये इंडिया का आर्ट है एंड दिस शुड गो एवरीवेयर इन द कंट्री एंड आउटसाइड एज वेल। सो लेट्स सी ये कैसा दिखता है। ये देखिए, वाह, वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। इसको बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता होगा? लगता है सर। अच्छा, इसको बनाने में कितना टाइम लगता होगा? कम से कम 4-5 दिन लगते हैं जोड़ी बनाने में। एक जोड़े को 4-5 दिन? तो फिर भी काफ़ी ठीक है, हमें तो लगता था महीनों लगते होंगे। ना ना सर, टाइम तो लगता ही है। अच्छा, तो इसको बेस जो है पूरे एक सिंगल लॉग में, वन पीस में उसको फिर मशीन से कुछ करा कट किया जाता है पूरा हाथ से? नहीं, मशीन से कटिंग होता है, फिर उसके बाद हाथ से होता है। कुछ हाथ का भी काम है, कुछ मशीन का भी है। अच्छा, ये कितने का है? ये 14,000 का पेयर है जी। अच्छा, ठीक है, दो क्योंकि हाँ जाहिर सी। अच्छा, दो द पेयर ऑफ, ओके, इसमें पेयर चलता है जी। अच्छा, ठीक है, दिस इज़ फॉर 14,000 रुपीज फॉर अ पेयर, बिकॉज दिस इज़ अ हैंडीक्राफ्ट वर्क एंड दिस कैन नॉट बी मेड विद द हेल्प ऑफ मशीन। सो जनरली एक क्राफ्ट करते हैं, उसके बाद में हाथ से काम करते हैं। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा है। आई वाज अट्रैक्टेड, ये मुझे थोड़ा बड़ा लगा उससे, इसकी प्लेट जो है ना बेस चौड़ाई में है। हाँ, ये भी आउटडोर के लिए है? हाँ, आउटडोर ही है, इंडोर नहीं है। अच्छा, ये कितने का है? तो 8,500 का जी। और ये ग्रीन वाला कौन सा स्टोन है? ये तो वो विदासर हो गया जी। अच्छा, ये कितने का है? ग्रीन कलर का होता है ये? ग्रीन कलर का होता है। और कितने का होगा ये? 16,000 का जी। अच्छा, ये वाला कौन सा स्टोन है और कितने का है? इसमें थोड़ा डिजाइन में फर्क है ना, टॉप थोड़ा सा हल्का सा ऊपर फर्क है, और कोई विशेष फर्क नहीं। इसमें से भी पानी आने वाला है? हाँ जी, ऊपर से आएगा पानी, इसमें वो नोजल वगैरह भी लगाते हैं कई लोग। अच्छा, ये कितने का है? ये पड़ेगा आपके 22,000 रुपये का। ठीक है, अब हम आपके लेफ्ट और हमारे राइट से देखेंगे, हमारे सीधे हाथ की तरफ से, आपके उल्टे हाथ की तरफ से। इधर फाउंटेन्स थे, इधर सारे मंदिर है। हाँ जी सर, है ना। ये वाला मंदिर क्या, कितने प्राइस का है ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, ये 4,500 का है जी, बिना मूर्ति के, बिना अंदर नहीं, मूर्ति नहीं आएगी सर, ओनली मंदिर 4,500 रुपये का है। ये बहुत अच्छा मंदिर है जिसमें काफ़ी सारा वर्क किया हुआ है। तो ये अच्छा भी है इसमें, ये देखिए सर। अरे वाह, ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। ये भी हाथ से बनता है पूरा? बिल्कुल सर, हाथ का काम है जी। जनरली ये डोर्स लोग लगाते नहीं मार्बल के, इसमें वुड के डोर्स लगाते हैं या ओपन होता है ये? कैसे? जनरली लोग ओपन रखते हैं मंदिर को, ओपन कोई मिलता नहीं है ये, बाकी बहुत कम मिलता है। अच्छा,
ये रुक नहीं रहा है लेकिन इसमें वो तो थोड़ा हल्का वाला वो क्योंकि टेढ़ा भी खड़ा हुआ है ये सीधा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है ये भी। इसकी क्या हाइट है और क्या प्राइस है? ये 3x2 का है जी। हाँ जी, और क्या प्राइस होगा इसका? 11,000 रुपये का है। ठीक है, इसमें नीचे ड्रॉर भी है अगर आप देखें यहाँ पे। अंदर ड्रॉर है ना सर। अच्छा अच्छा, स्लाइडर्स हैं अंदर। ओके, छोटे मोटे चीज़ें आप यहाँ अगरबत्ती वगैरह जो भी रखना वो आराम से रख दो। अच्छा, और स्टेज मात्र जस्ट फॉर द इम्प्रेशन है, मतलब जस्ट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। स्टेज की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है, पर एक फील देने के लिए है ना, मंदिर का फील देने के लिए। बहुत अच्छा है। क्या इसके ऊपर कुछ आएगा टॉप? नहीं, इस पर कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। आप चाहें तो बनवा सकते हैं अलग से सर। इसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो बड़ा वाला कलश रख के देख लो, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो कलश भी आपके पास लूज में मिल जाता है? बिल्कुल अवेलेबल है। ये कितने का है? 11,000 रुपये का जी। ठीक है, ये प्लेन है, ये कितने का है? ये वाला इसमें वो जो आपको दिखाया है वही सेम चीज़ है ये। ओके, इसमें सीढ़ियाँ नहीं है बस? नहीं, सीढ़ियाँ वगैरह इसका नीचे का जो स्टैंड है अभी बना हुआ नहीं है। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक दो सवाल और हैं, वो पूछेंगे आपसे। पहले हम ये प्राइस पूछ लें इसका, ये क्या रेंज में? ये वाला ये वाला? हाँ जी, ये 5,500 रुपये का है जी। और ये? ये भी इसी रेंज में है। और ये सेम रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 200-500 का डिफरेंस आ जाएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया देना था व्यूअर्स को कि हमारे पास क्या क्या है, किस किस तरह के प्रोडक्ट। छोटे मंदिर चाहिए तो कलर में देख लो। अच्छा, ये क्या रेंज के होते हैं, स्टार्टिंग रेंज क्या है इनका? स्टार्टिंग रेंज इसकी सर कम से कम 500 रुपये से स्टार्टिंग है जी। और मैक्सिमम तो साइज पे डिपेंड करेगा, स्मॉल साइज सबसे छोटी। अच्छा, ये 500 रुपये का है जी, फिर इससे बड़ी साइज आ जाएगी। ये कितने की रेंज का? 750 रुपये का है जी। चलिए ठीक है, मंदिर से संबंधित ना मेरे दिमाग में एक सवाल था जो मुझे आपसे पूछना था, आप आते जाइए और हम पूछते जाएंगे। जब मंदिर को हम कुरियर करते हैं हमारे जो आउट ऑफ किशनगढ़ के बाहर, जब हम हमारे व्यूअर्स को आप भेजते हैं, तो ये अलग अलग पीसेस में जाता होगा? इसमें सर 2 पैकेट बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मंदिर भी हो तो 2 पैकेट में काम हो जाता है सर। अच्छा, जैसे ये मंदिर है इसका 1 पैकेट तो ये बन ही जाएगा, फिर नीचे का स्टैंड जो ऊपर वाला है ना इसमें आ जाएगा, 2 पैकेट बनेंगे आराम से, थर्माकोल वगैरह जो अपन लगाते हैं उससे पैकिंग होकर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह की असेंबली की कोई आदमी की जरूरत नहीं है आपको इसको कनेक्ट करने की ना? ठीक है, ओके। यहाँ पे भी एक बार क्विक लुक ले लें कि यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं अच्छी, और फिर शायद कुछ हमें मिल जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी सारे आइटम हैं। ये क्या है? ये दिखा दीजिए मुझे। ये टी कोस्टर है जी सर। जी, ये कौन से स्टोन में बना हुआ है? ये ओनेक्स मार्बल है। अच्छा, ये भी यहीं का बना हुआ है? ना सर, ये आउट ऑफ कंट्री का है। अच्छा, बन के वहीं से आया है ये? कुछ कुछ यहाँ भी बन जाता है, बाकी ज़्यादातर बाहर से आता है। चलिए ठीक है, हमारा आइडिया है कि हम कुछ कोस्टर्स दिखा दीजिए हमको, वो प्लेट है। कोस्टर्स हैं हमारे पास स्टोन में। ये प्लेट्स कैसी हैं? नहीं, कोस्टर्स में नहीं है, कोस्टर्स की है सर। अच्छा, ये दिखा दीजिए। वाइट में चाहिए तो वाइट देख लो। इनका क्या, ये गंदे नहीं हो जाते हैं अगर इनको आप यूज़ करते हैं? सर ये गंदे भी हो तो आराम से पानी से धो। अच्छा, पानी लेके आ जाओ। ये लोकल होना चाहिए, जो भी आप मुझे दिखा रहे हैं वो यहीं का बना? हाँ, यहीं का सर, यहीं का। आउट ऑफ कंट्री है केवल, यही नेचुरल, और इससे कोई नेचुरल बढ़ के नहीं आएगा। अच्छा, ये देखिए सर, इसमें 6 पीस आते हैं जी। पानी भी लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। ये कितने का है? 550 का सेट है जी। 6 पीस का। तो आप एक काम करिए, एक मुझे ये पीस भी दे दीजिए। बिल्कुल सर। तो हमारे व्यूअर्स के लिए हमने वो ले लिया। इसमें से आराम से पानी डाल लो। पानी डाल सकते हो साफ? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ये इनले वर्क है ना? इनले वर्क है जी सर। और वेरी पेंट वाला कोई सिस्टम नहीं इसमें। अच्छा ठीक है, इसको हम कुरियर करेंगे तो ये टूटेगा नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, एक आप हमें ये दे दीजिए, एक हमने पहले वो लीफ लिया था, एक हमें वो दे दीजिए। ये प्लेट और दिखा दीजिए, इसमें क्या है, ये क्या पर्पज से बनी है? आपका फ़ोन आ रहा है मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत नहीं सर। ये किस चीज़ के लिए बनी है प्लेट्स? ये कोई धूप बत्ती लगाने के लिए, जैसे कोई पूजा पाठ में यूज़ में लेते हैं। अच्छा, मंदिर में यूज़ करने के लिए। ये कितने का? 140 रुपये के जी। चलिए ठीक है, और बड़े साइज़ की भी हमारे पास? बड़ी साइज़ इसमें को चाव जितनी साइज़ 10-11 इंची तक मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। यहाँ कुछ एलिफेंट्स हैं। अब बाहर जो बड़े ये सब यहाँ का लोकल है ये? ना सर, ये यहाँ का लोकल नहीं, ये आगरा से आ रहा है। ये आगरा से आता है। चलिए ठीक है, बाकी स्टैंड बहुत अच्छे हैं आपके पास? स्टैंड वगैरह देख लो, यहाँ के लोकल हैं। अच्छा, ये सब अलग अलग रेंज के होंगे? अलग अलग रेंज के सर। क्विकली बता दें ये कितने का है, फिर ये कितने का, ऐसे बता दीजिए हमको फटाफट। लमसम चलते रहते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं चलता है। अच्छा, कितने का होगा अप्रॉक्सीमेटली फिर भी? ये प्रोडक्शन देखो थोड़ा हल्का दिख रहा है कलर में जी, तो 3,000 का पेयर है। अच्छा, अब ये अच्छा कलर दिख रहा है। हाँ। ये मकराना पिंक ओरिजिनलिटी जिसको बोलते हैं। हाँ। ओके, सो हजारी लाल जी, अभी अलविदा कहने का समय आ गया है। हाँ जी सर। है ना, काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो हम लाइट की कमी से और समय की कमी से प्रॉपरली नहीं कर पाए, और शायद मेरे ख्याल से आपके पास यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एक एक चीज़ के बहुत सारे पीसेज होते हैं, वो हमने देखा। क्वालिटी पड़ी है जी,
अब कुछ खास चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें और हम हमारे व्यूअर्स को बता दें। ये भी हमारे यहाँ का बना हुआ है? हाँ जी, ये बिल्कुल यहाँ का। ये किस चीज़ में बना है? मार्बल स्टोन ये। अच्छा, इसका तो काफ़ी वेट होता होगा अपने आप? इसका तो काफ़ी वेट है। अच्छा, रेंज क्या जाता है इनका? इसका रेंज कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख। एक पीस का? दो पीस पेयर का। ठीक है, ये भी हमारी प्रोडक्शन है, ये बड़े बड़े फाउंटेन। हाँ जी। ये क्या रेंज का होगा? बड़ा आइटम वगैरह का है ये। हाँ? ये 10 फीट हाइट में चलता है, 8 फीट में चलता है, 12 फीट हाइट में चलता है। क्या रेंज होगा इसका? 10 फीट हाइट का चलता है, 40,000 रुपये का। अच्छा अच्छा, 40,000 में मिल जाता है ये? हाँ जी। ओके, और जो पीछे है वो? पीछे वाला तो 6 फीट का है जी। वो कितने का होगा लगभग? वो है 14,000 रुपये का। अच्छा ठीक है, डन। एक और है यहाँ पे, हम पूरा फुल फ्लेज दिखा दें कि जिन लोगों को, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टॉल ह्यूमंगस साइज ऑफ फाउंटेन, देन दिस इज द प्लेस फॉर यू। लुक एट दिस वन, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा है ये। हाँ जी, वेरी नाइस। इसमें 1, 2, 3, 4 ऊपर से भी पानी आता है? बिल्कुल, ऊपर से पानी गिरेगा जी। अच्छा, इसका मुझे एग्जैक्ट प्राइस बता दीजिए आप, ये क्या होगा रेंज का? ये कितने का होगा लगभग? ये पड़ेगा 36,000 रुपये का जी। 36,000 रुपये। चलिए ठीक है, ओके। आपका बहुत सारा समय ले लिया हमने, और बहुत सारे व्यूअर्स को ये रहेगा कि और क्यूरियोसिटी रहेगी, फिर कभी आएंगे और फिर डिटेल में आपके साथ वीडियो शूट करेंगे। ठीक है सर, एक एक प्रोडक्ट दिखाएंगे। थैंक यू सर। और जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जो प्रोडक्ट हम जिनके प्राइस नहीं बता पाए हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। ऑल दी प्रोडक्ट्स कवर्ड इन द वीडियो, वी कुड नॉट मेंशन द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, यू कैन ऑलवेज कॉल देम, नंबर विल बी गिवन ऑन द स्क्रीन। और आइडिया इज़ टू प्रमोट इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है इस वीडियो से कि हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर सकें। हमने 2 आइटम्स खरीदे हैं जो हमारे व्यूअर्स को हम गिव अवे में देंगे। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपका एड्रेस हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, ताकि आप तक कोई पता पूछ के आपके पास तक आ सके। अदरवाइज ये सारे प्रोडक्ट आप ऑल इंडिया पहुँचा देंगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।